दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। हेलो दोस्तों, मी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मी आप लोगों से सॉरी मगना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं निकाली क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहे द एबर के पास रेगुलर वीडियो आयागी। आज की वीडियो में मैं आपको इस साल की 5 गोल्ड माइंस धमाकेदार मूवीज की बारे में जानकारी दूंगा। इस लिस्ट में पहले नंबर पे है वीआईपी 2। इतना सारा कुछ खोने के बाद तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, अब तुम्हारी कोई पहचान भी नहीं है। अमूल बेबी, मेरी अपनी एक अलग पहचान है। वीआईपी 2 में लीड रोल में था धनुष एंड काजल और यह मूवी हिंदी में आ चुकी है। अगर आप लोगों इस मूवी को हिंदी में नहीं देखा तो मी डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लो और जल्दी ही यह मूवी टेलीविजन पे आ जाए आएगी। इस मूवी में एक्शन का साथ कॉमेडी भी है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर पे है मसल। ஒரு தலைவன் உருவாகிறதுக்கு ஒரு யுகமே தேவைப்படும். यह 2017 की सुपरहिट मूवी थी। इस मूवी में लीड रोल विजय और काजल अग्रवाल का साथ समांथा और निथिन मेनन दे थी। इस मूवी में विजय का टीम रोल द इसके राइट्स गोल्डमाइन ने खरीदा है और यह मूवी में 2018 तक आ जाएगी। इस मूवी के डायरेक्टर तुली कुमार है। इस लिस्ट में तीसरा नंबर पे है विवेगम। ना यारंगरद एपोमे ना मुडिव पंडरदिल्ल ये एदिरल निक Body time. போராடாம எரிக்க எழுந்து வரா. यह मूवी अजीत सकी सबसे सुपरहिट मूवी थी। इस मूवी में विवेक ओबरॉय विलन के रूप में दिखी देंगे और काजल अग्रवाल अजीत सकी ऑपोजिट होगी। इस मूवी के राइट्स गोल्डमाइन ने खारी दहे और यामो वाई 2018 तक आहा जाएगी। इस मूवी के डायरेक्टर सिवा थे। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पे है राजा द ग्रेट। बाद नीचे संतोष होना ओटम नीचे गिर पैना ना नुचे दानी यबड़ू का पड़ेड़ो నేను ఒక అద్భుతం మహాద్భుతం ఎన్ని కళ్ళు నన్ను చూస్తున్నా ఐ కంట్రోల్ వచ్చి ఒక్కసారి నాకు వినబడు या हाई मूवी रवि तेजा की सबसे सुपरहिट मूवी थी। इस मूवी में रवि तेजा लीड रोल में दर और उनके ऑपोजिट मेहरिनी कौर पीरज़ादा थी और इस मूवी ब्लाइंड मैन के रूप में दिखाई देंगे और इस मूवी के राइट्स भी गोल्ड माइन ने करी दहे और यह मूवी भी 2018 में आ जाएगी। इस मूवी के डायरेक्टर अनिल रविप्यूडी है जिन्होंने सुप्रीम कलाड़ी जैसी मूवी को बनाए है।